फिल्म की शुरुआत 1993 में एक हॉस्पिटल को दिखाने से होती है, जहां पर एक लेडी डॉक्टर अपने एक मरीज जिसका नाम गैब्रियल था उसके बारे में बताते हुए रिकॉर्डिंग कर रही थी। वो बताती है कि मेरा वो मरीज बहुत अजीब है, बहुत तेजी से वो बढ़ रहा है, साथ ही उसके अंदर बहुत सारी ताकतें भी हैं। रिकॉर्डिंग अभी चल ही रही थी कि तभी डॉक्टर का साथी घबराया हुआ आया, बताता है कि गैब्रियल फिर से भागने की कोशिश कर रहा है, वो दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा है। ये सुनकर डॉक्टर जल्दी से उसके साथ उम्र की तरफ भागती है, जहां हॉस्पिटल का अजीब नजारा देखते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, जैसे लोग किसी चीज से डरकर भाग रहे हों। अब एक गार्ड के साथ कुछ डॉक्टर्स गैब्रियल के कमरे में गए। गार्ड के पास बेहोश करने वाली गेंद थी, वो गैब्रियल को बेहोश करना चाहती थी, पर गैब्रियल उसके साथ साथ बाकी डॉक्टर्स पर भी हमला कर देता है। वो गार्ड के बाजू को पकड़ के बुरी तरह तोड़ देता है, जिससे उसकी हड्डी बाहर आ जाती है। फिर वो अपनी खतरनाक ताकतों से हॉस्पिटल की सारी लाइट्स को फोड़ देता है। इस बीच मौका पाकर डॉक्टर वो गन उठाती है और गैब्रियल को शूट कर देती है, जिससे वो बेहोश हो गया। और ये लोग जल्दी से उसे जाकर कुर्सी से बांध देते हैं। फिर जैसे गैब्रियल को होश आई, वो डॉक्टर और उसके साथी को सामने खड़ा हुआ पाता है। उसे इन्होंने काफी दूर रखा हुआ था, क्योंकि वो खतरनाक होने के साथ साथ बदसूरत भी था। यह डॉक्टर उसे ऐसी डांटने लगती है जैसे वो कोई बच्चा हो, कहती है तुम बहुत बुरे हो, और गैब्रियल भी बच्चों की तरह चिढ़ने लगता है। उसे गुस्सा आने लगा, जिसके साथ ही रेडियो में से ड्रावनी सी शैतानी आवाज आने लगी, जो और किसी की नहीं बल्कि गैब्रियल की थी। वो इनको धमकी दे रहा था, कहता है कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, तुम सबको मार डालूंगा। ये देखकर डॉक्टर का साथी काफी हैरान रह गया, कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ओ माय गॉड, ये बोल भी पा रहा है, और इसने रेडियो को कंट्रोल करके उसके जरिए हमसे बात की। तब डॉक्टर उसे बताती है कि हाँ, गैब्रियल के पास ऐसी ताकतें हैं जिनकी मदद से वो बहुत कुछ अजीब चीजें कर सकता है। अब डॉक्टर और उसका साथी दूसरे कमरे में जाते हैं, जहाँ इनके हॉस्पिटल स्टाफ की लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थी। ये देखकर दोनों काफी परेशान हो गए, और अब यहाँ डॉक्टर कहती है कि टाइम आ गया है इस मुसीबत को जड़ से खत्म करने का। अब सीन शिफ्ट होकर आता है एक कपल पर, जिनमें वाइफ का नाम मेडिसन होता है। यहाँ हमें पता चला कि पिछले कई दिनों से इन दोनों के बीच के ताल्लुक खास अच्छे नहीं है, क्योंकि उनकी शादी को काफी साल हो गई थी, लेकिन मेडिसन का बच्चा नहीं हो रहा था। हर बार जब भी वो माँ बनने वाली होती थी, उसका बच्चा पेट में ही मर जाता था, जिस वजह से वो इतनी परेशान रहने लगी कि उसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आ गया। उसके हस्बैंड का गुस्सा भी तेज था, यही वजह है कि इनके झगड़े होती रहती थी। आज भी ये दोनों हस्बैंड वाइफ से बात को लेकर बहस कर रही थी, जहाँ मेडिसन के हस्बैंड को गुस्सा आ गया और वो उसे जोर से धक्का मारता है, जिससे वो दीवार से जाकर टकरा गई और उसके सिर पर चोट लगने से खून निकलना शुरू हो गया। ये देखकर उसका हस्बैंड घबरा गया और जल्दी से मेडिकल किट लेने के लिए कमरे से बाहर भाग जाता है, ताकि उसकी मरहम पट्टी कर सके। लेकिन मेडिसन ये देखकर जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद कर देती है और खुद को अंदर ही लॉक कर लेती है। असल में मेडिसन अपने हस्बैंड से तंग भी आ गई थी, क्योंकि वो एक जालिम हस्बैंड था, अक्सर छोटी मोटी बातों पर उसे मारने लगता था। फिर वो दरवाजे पर आकर मेडिसन को दरवाजा खोलने का कहता है, पर वो कॉफी कहने के बाद भी दरवाजा नहीं खोलती, इसलिए उसके हस्बैंड को रात कमरे से बाहर ही गुजारनी पड़ती है। वो जब सोफे पर सो रहा था, तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किचन में कोई मौजूद है। वो जब चेक करने गया तो हैरत, वहाँ मिक्सर मशीन चली हुई थी, फ्रिज भी खुला हुआ था और तोर टीवी भी ऑन था, लेकिन वहाँ कोई था नहीं। उसका हस्बैंड अब ये सब देख ही रहा था कि तभी उसके पीछे से कोई काले रंग का साया आकर खड़ा हो जाता है और उस पर हमला कर देता है। उसे पकड़कर दीवार पर उसका सर देकर मारता है, जिसके साथ ही एकदम से मेडिसन की आंख खुल जाती है। और यहाँ हम समझ पाए कि हमला जो भी अभी हुआ, वो मेडिसन का सपना था। वो काफी घबराई हुई थी, उसे अपने हस्बैंड की फिक्र होने लगी, इसलिए वो जल्दी से कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आती है अपने हस्बैंड को देखने के लिए। पर सामने जो उसने देखा, उसे देखकर तो उसकी होश उड़ गई, क्योंकि वहाँ उसके हस्बैंड की लाश पड़ी हुई थी, वो भी बहुत बुरी हालत में। उस काले साए ने उसे मारकर पूरे जिस्म की हड्डियों को तोड़ मरोड़ कर उसे यहाँ फेंका हुआ था। हर तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा था, जिससे मेडिसन की हालत और खराब हो जाती है। वो अपने हस्बैंड की लाश को देख ही रही थी कि तभी पीछे से वो एक काले रंग का साया निकल कर बाहर आ जाता है और वो मेडिसन की तरफ बढ़ने लगा उस पर हमला करने के लिए। वो काफी डर गई, जल्दी से भागने लगती है। इससे पहले कि वो मेडिसन पर हमला करता, वो अपने कमरे में आकर फौरन दरवाजा बंद कर देती है, जोर से दरवाजे पर हाथ रख के खड़ी हो जाती है। तब वो काला साया वहाँ आकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा। मेडिसन दरवाजे को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो साया दरवाजा तोड़ ही देता है। अब झटके से मेडिसन दरवाजे के साथ दूर जाके गिरी और वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब अगले सीन में मेडिसन को हॉस्पिटल में होश आती है। उसने जब आंखें खोली तो सामने उसकी बहन बैठी थी, जो पहले तो मेडिसन का हाल पूछती है कि तुम ठीक हो, फिर उसे बताती है कि दो बुरी खबरें हैं, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस हादसे की वजह से तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा मारा गया, और दूसरी बुरी खबर कि तुम्हारा हस्बैंड भी बच नहीं पाया, उसकी भी बहुत दर्दनाक मौत हो गई है।
अभी मेडिसिन के लिए बहुत दुख की बातें थी, इसलिए वो रोने लगती है। उसे काफी गहरा सदमा लगता है। इसलिए जब डिटेक्टिव यानी पुलिस ऑफिसर यहाँ उसे पूछताछ करने आती है तो उनके सवालों का भी मेडिसिन जवाब नहीं दे पाती। इसलिए डिटेक्टिव लैब इंचार्ज के पास जाता है सवालों का जवाब पाने के लिए, जो उसके हस्बैंड की लाश को चेक कर रही थी। तब वो बताती है कि उसके हस्बैंड की लाश पर से उंगलियों के निशान मिले हैं, जो और किसी के नहीं बल्कि मेडिसिन की लग रही है। और ये मुमकिन हो सकता है कि अपने हस्बैंड को मेडिसिन नहीं मारा हो, क्योंकि वो उस पर बहुत जुल्म किया करता था। खैर, इसके बाद मेडिसिन की बहन उसे उसके घर छोड़ाती है। रात को जब वो अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी तो उसे बाहर की लाइट्स अजीब तरह से जलती बुझती नजर आती है, जो देखकर मेडिसिन काफी घबरा गई। और फिर तभी वो वहाँ उस काले साल को देख लेती है, जिससे वो इतना डर गई कि फौरन भागी और अपने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करने लगती है, जिसके बाद सारी लाइट्स भी ऑफ कर दी। लेकिन तभी वो ये देखकर काफी चौंक गई कि एक दरवाजा अपने आप ही खुल गया। वो डर गई, जल्दी से भागकर अपने कमरे में आकर दरवाजे को लॉक कर लेती है। अब ये रात ऐसे गुजर गई, कुछ भी नहीं हुआ। तो अगले दिन मेडिसिन जब जागी तो उसे बचने का एक आइडिया आया। वो ड्रिल मशीन लेती है और अपने काम पर लग गई, यानी वो हर दरवाजे पर दो लॉक्स लगाने लगती है। अगले दिन मेडिसिन की बहन उससे मिलने आई। यहाँ हमें पता चला कि वो दोनों सगी बहनी नहीं है, उनका खून का रिश्ता नहीं है, बल्कि जब मेडिसिन 8 साल की थी तो उसकी सुतीली बहन की मॉम डैड ने मेडिसिन को गोद ले लिया था। और 8 साल से पहले क्या हुआ वो कोई भी बात मेडिसिन को याद नहीं थी, सब भूल चुकी थी। अब हम एक औरत को देखते हैं जो एक टूर गाइड थी, यानी वो लोगों को अंडरग्राउंड एक शहर की सैर करवाने में उनकी मदद करती थी और पूरे सफर में उनको गाइड करती थी। इस वक्त भी वो अपने कस्टमर्स को एक खौफनाक शहर के बारे में बता रही होती है, जिसके साथ ही टूर खत्म होने के बाद सब लोग उसे पैसे देकर वहाँ से जाने लगते है। अब एक जगह पर आकर जब वो अपना काम निपटा रही थी तो अचानक वहाँ की सारी लाइट्स जलने बुझने लगती है और देखते ही देखते लाइट्स ऑफ होने लगी। टूर गाइड को लगता है कि वहाँ कोई है, तो वो चेक करने उस तरफ जाने लगी। उसकी नजर जब छत पर गई तो वहाँ एक डायनासोर क्रिएचर बैठा था। इसे देखकर वो बहुत डर गई। इससे पहले कुछ समझ पाती वो झट से नीचे आया, एकदम से उस पर हमला कर देता है। अब जब टूर गाइड को होश आई तो वो खुद को अजीब सी जगह पर बंधा हुआ पाती है। उसके मुंह पर टेप लगाई हुई थी और दोनों बाजुओं को रस्सियों से बांधा हुआ था। यहाँ एक रेडियो भी रखा हुआ था, जो शुरुआत वाले रेडियो जैसा ही लग रहा था, और उसमें वो शैतानी आवाज थी जो हमने शुरुआत में सुनी। और क्योंकि वो आवाज तो गैब्रियल की थी, तो यहाँ हमें ये समझने में देर नहीं लगती कि ये क्रिएचर और कोई नहीं बल्कि गैब्रियल ही है। वो भी टूर गाइड के पास आया और उसे कहने लगता है कि बहुत जल्द मैं तुम्हें भी मार दूंगा, लेकिन तुमसे पहले मुझे उस लेडी डॉक्टर से निपटना है। अब वो लेडी डॉक्टर जब अपने घर में थी तो उसे गैब्रियल की कॉल आती है, जो उसे याद करवाता है कि मैं वही मरीज हूँ जिसे तुमने कैद किया हुआ था, डॉक्टर वाला, तुम जिसे बच्चों की तरह डांट रही थी। वो अपने बारे में सब बता तो देता है, पर लेडी डॉक्टर समझ नहीं पाती क्योंकि वो पहचान ही नहीं पाती कि ये गैब्रियल ही है। फिर कॉल काटने के बाद वो अपने ऑफिस आकर एक फाइल ढूंढने लगी। उन्हें वो फाइल मिल भी गई, जिसे खोलने पर अंदर से एक छोटी बच्ची की तस्वीर निकलती है, जिसकी उम्र तकरीबन 8 साल थी। मेडिसिन अपने घर में थी कपड़े धोने के लिए। जब वो मशीन खोलती है तो वहाँ उसे लेडी डॉक्टर की परछाई दिखाई देती है, जिसे एकदम डरकर वो पीछे हट गई, जिसके साथ ही मेडिसिन का घर पूरा बदल कर लेडी डॉक्टर के घर में बदल जाता है, यानी वो डॉक्टर के घर पहुँच गई थी। यहाँ भी मेडिसिन उस काले साल को देखती है, जो और कोई नहीं बल्कि गैब्रियल था। वो लेडी डॉक्टर को बालों से पकड़कर जोर से जमीन पर पटक के मारता है, फिर दोबारा डॉक्टर को उठाकर पटक पटक कर इधर उधर देकर मारता है। पर मौका पाकर डॉक्टर वहाँ से उठी और भागने लगी। गैब्रियल भी उसके पीछे गया, जिसने हाथ में ट्रॉफी पकड़ी हुई थी। वो डॉक्टर को पकड़कर ट्रॉफी की नोक से उस पर वार कर देता है, फिर कई बार उसने वार किया, सर कुएं को चल के रख देता है, जिससे डॉक्टर की बड़ी दर्दनाक मौत हो जाती है। देखकर मेडिसिन काफी डर गई, जोर से चिल्लाने लगती है, जिसके साथ ही उसका ख्याल खत्म हुआ और वापस अपने घर पहुंच जाती है। अब भी वो अपने घर के फ्लोर पर ही खुद को बैठा हुआ पाती है। यहाँ उसे अपने सर पर अजीब सा महसूस हुआ। उसने जैसे हाथ लगाकर चेक किया, उसके सर से खून निकल रहा था। और डिटेक्टिव और लैब इंचार्ज लेडी डॉक्टर के घर जाती है, क्योंकि उन्हें डॉक्टर की मौत की खबर मिली थी। लाश को जब ये चेक करने आई तो उसकी मौत बिल्कुल वैसी हुई थी जैसे मेडिसिन ने ख्याल में देखी थी। जैसे गैब्रियल ने डॉक्टर को मारा था, उसका सर कुचला हुआ था। यहाँ उन्हें वो फाइल भी मिल जाती है जो डॉक्टर ने गैब्रियल की कॉल बंद होने के बाद देखी थी, जिसमे 8 साल की बच्ची की तस्वीर थी। वो तस्वीर भी डिटेक्टिव के हाथ लग जाती है, जिसे वो एक आर्टिस्ट को देता है, ये कहते हुए कि इस बच्ची की तस्वीर को 30 साल आगे के टाइम में ले जाओ और फिर उसका प्रिंट हमें निकाल कर दिखाओ कि 30 साल के बाद इसकी शक्ल कैसी दिखती है।
यहाँ लैब इंचार्ज डिटेक्टिव को बताती है कि वो लेडी डॉक्टर बच्चों की डॉक्टर थी और बच्चों की सर्जरीज ऑपरेशन करने में काफी माहिर थी, जिस वजह से वो बहुत मशहूर भी थी। अब गैब्रियल वापस अपने ठिकाने पर आ जाता है, जहाँ वो डॉक्टर के घर से अपनी सर ट्रॉफी का वो नोकदार तेज हिस्सा भी लाया था, जिससे उसने डॉक्टर को मारा था। उसकी मदद से वो अपना हथियार बना रहा होता है। फिर हथियार के तैयार होने पर वो उसे टूर गाइड पर टेस्ट करता है अपना निशाना और अच्छा करने के लिए। अब मेडिसिन को जब लेडी डॉक्टर की मौत का पता चला तो हैरान होने के साथ साथ वो काफी दुखी भी गई, और क्योंकि काफी थक गई थी तो अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाती है, जहां उसे फिर से एक ख्याल आने लगता है। इस ख्याल में वो लेडी डॉक्टर की साथी को देखती है, जो अपने बिस्तर पर लेटा आराम कर रहा था, जहां तभी उनके पास आता है गैब्रियल, जिसने हाथ में वो तेजधार ट्रॉफी वाला हथियार पकड़ा हुआ था। वो डॉक्टर के बहुत करीब आकर बैठ जाता है। डॉक्टर ने जैसे उसे देखा वो चीख मार देता है। तब गैब्रियल वो तेजधार हथियार पहने उसके चेहरे में घुसाता है, फिर बार बार वार करने के बाद सीने में भी घुसा देता है, और ऐसे डॉक्टर की मौत हो जाती है। ये ख्याल ये मेडिसिन काफी डर गई, उसकी आंख खुल गई, जहाँ वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है। यहाँ वो पहली बार गैब्रियल का चेहरा देख पाती है, जो बहुत ही डरावना बदसूरत था, जो देखकर तो उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो फौरन उठकर चीखने लगती है। वो खुद को अपने कमरे में पाती है, जहाँ ख्याल से बाहर आने के बाद उसके तकिए पर खून पड़ा हुआ था। अब उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी बहन फौरन यहाँ आई। तब मेडिसिन उसे बता देती है कि मुझे काफी अरसे से वो डरावने से ख्याल आ रही है, और जो कुछ भी मैं ख्यालों में देखती हूँ वो हमेशा सच हो जाता है। जिसके बाद ये दोनों बहनें पुलिस स्टेशन गई। यहाँ इनकी मुलाकात डिटेक्टिव और लैब इंचार्ज से हुई। यह मेडिसिन उन्हें भी बताती है कि मेरे ड्रावनी ख्याल सच हो जाती है। मैंने लेडी डॉक्टर के साथी की मौत का भी कुछ देर पहले ही ख्याल देखा, जो हॉस्पिटल के सामने वाले बिल्डिंग में हुआ, जहाँ वो रहा करती थी। अब ये सुनकर ये लोग जल्दी से उनके घर जाती है, जहाँ सच में डॉक्टर साथी की लाश मिल जाती है। वो भी बिल्कुल वैसी जैसे उसने ख्याल में देखी थी, जिसे गैब्रियल ने उनके चेहरे पर वार किया था। उनके चेहरे की बुरी हालत थी और पूरा बिस्तर खून से दर्द था। ये देखकर डिटेक्टिव और लैब इंचार्ज काफी दंग रह गई, जिसके बाद वापस पुलिस स्टेशन आ जाती है। मेडिसिन और उसकी बहन को कहती है कि आप कुछ देर यहाँ पुलिस स्टेशन में ही रुक जाइए, कुछ पूछताछ करनी है। अब जब मेडिसिन वॉशरूम में जाती है तो एक अनजान नंबर से उसके पास कॉल आती है, जो गैब्रियल की थी, जिसमें वो कहता है कि तुम्हारा नाम मैं अपनी मर्जी से रखूंगा, क्योंकि तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, और अब मैं इतने सालों के बाद वापस लौट आया हूँ तुम्हारा और अपना बदला लेने के लिए, जिसमें मैं मासूम और गुनाहगार लोगों सबको मारूंगा। ये सुनकर मेडिसिन काफी घबरा गई, वो अपनी बहन के पास आई, और ये दोनों फौरन पुलिस स्टेशन से चले जाती है। उनके जाने के बाद डिटेक्टिव आर्टिस्ट की भेजी हुई फाइल देखने लगता है, जिसमें उसने बच्चे की तस्वीर को बदल दिया था। यहाँ हम ये देखकर काफी दंग रह जाते हैं कि 30 साल आगे के टाइम में उस बच्चे की तस्वीर को बदलकर मेडिसिन का चेहरा सामने आता है। अब वो दोबारा से इस फाइल को पढ़ता है, जहाँ उसे पता चला कि मेडिसिन की सुतेली मोम ने उसका इलाज करवाने के लिए उसे लेडी डॉक्टर के हॉस्पिटल में दाखिल करवाया था। इस लेडी डॉक्टर की अब मौत हो गई है, जहाँ मेडिसिन का इलाज उस लेडी डॉक्टर के साथ साथ उसके दो साथियों ने किया था। पर अब क्योंकि लेडी डॉक्टर और उनकी एक साथी की तो मौत हो गई है, तो जो तीसरी डॉक्टर थी जो अभी जिंदा थी वो डिटेक्टिव को सारी सच्चाई बता सकती थी। इसी सोच के साथ डिटेक्टिव उस डॉक्टर से मिलने उनके घर के लिए निकल जाता है। मेडिसिन और उसकी बहन अपने मॉम के पास पहुंची, जहां उनकी मॉम बताती है कि जब मेडिसिन छोटी थी तो इसका एक ख्याली दोस्त था जो सिर्फ इसी नजर आता था, जिसका नाम गैब्रियल था। उनका ये बताना ही था कि फिर से मेडिसिन को ख्याल नजर आता है, जिसमे वो तीसरी डॉक्टर के पास गैब्रियल को देखती है, जो डॉक्टर को मारने आया था जब वो बाथटब में लेटी नहा रही थी। इतनी ही देर में यह डिटेक्टिव भी आ गया, जो गन को सामने करते हुए डॉक्टर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी ऊपर से गैब्रियल आकर उस पर हमला कर देता है और उसे नीचे लिटा देता है। यह डिटेक्टिव भी उसका इतना भयानक चेहरा देखकर डर गया, जिससे वो बेकाबू हो गया। इस चीज का फायदा उठाकर गैब्रियल उस पर बार बार वार करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वो बचता रहता है। डिटेक्टिव उस पर वार करके दूर फेंक के मारता है और अंधाधुंध गोलियां उस पर चलाने लगता है, लेकिन गैब्रियल किसी तरह यहाँ से भाग जाता है। हालांकि डिटेक्टिव उसके पीछे गया, लेकिन वो फिर भी उसके हाथ नहीं लग पाया। अब डॉक्टर की जान तो बच गई, लेकिन इसी के साथ मेडिसिन अपने ख्याल से बाहर आ जाती है। अगले दिन डिटेक्टिव और लैब इंचार्ज अपने साथ एक दिमाग के डॉक्टर को लाती है, ताकि वो थेरेपी करके मेडिसिन की पुरानी यादों को खोल सके, जो सारी चीजें वो भूल चुकी है। थेरेपी के दौरान मेडिसिन बताती है कि जब मैं छोटी थी तो गैब्रियल की हरकतों की वजह से मुझे डांट पड़ती थी, वो मुझसे उल्टे सीधे काम करवाया करता था। जिसके साथ ही मेडिसिन यहाँ अपने बचपन की एक कहानी सुनाती है कि एक दिन मेरे पास गैब्रियल की कॉल आई, जिसने मुझे कहा कि अपनी आंखें बंद करो, तुम्हारे सामने एक केक रखा है,
जिसे तुम बड़ी सी चाकू से काट कर अपने मुंह को दो। पर जब मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने कोई केक वेक नहीं था, बल्कि मेरे सामने मेरी मोम का पेट था। और गैब्रियल मुझे कह रहा था कि तुम अपने मोम का पेट काट दो ताकि तुम्हारी मोम के पेट में जो बच्चा है वो मर जाए। तभी मेरी मोम की आंख खुल गई और जब उन्होंने मुझे ऐसे देखा तो वो चीखने लगती है। अब प्रेजेंट टाइम इन्हें मौजूदा वक्त में मेडिसिन जो भी बातें बता रही होती है वो भी चिल्ला रही थी। और वो टूर गाइड जिसे गैब्रियल ने पकड़ा हुआ था वो किसी तरह खुद को उसके कैद से आजाद कर लेती है और वहाँ से भागी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है। लेकिन तभी उसका पैर फ्लोर पर अटक गया और वो नीचे की तरफ जाने लगी। अब जहाँ मेडिसिन और बाकी लोग बैठे थे वहाँ के ऊपर का फ्लोर टूटता है और टूर गाइड वहाँ से नीचे आगे गिरती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि गैब्रियल ने टूर गाइड को मेडिसिन के ऊपर वाले फ्लोर पर कैद किया हुआ था। थोड़ी ही देर में यहाँ पुलिस आई छानबीन करने, जब मेडिसिन को गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि उन्हें ऊपर वाले फ्लोर से गैब्रियल के कपड़े और हथियार वगैरह मिले थे, जिससे सबको यही लगता है कि गैब्रियल मेडिसिन ही है और कोई गैब्रियल नहीं है इसके अलावा। और मेडिसिन ही है जो बचपन से दो पर्सनैलिटीज के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही है, एक तो है मेडिसिन की जबकि दूसरी अपने ख्याली दोस्त गैब्रियल की। पर यहाँ डिटेक्टिव इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, वो सोच में गुम था क्योंकि इसने तीसरे डॉक्टर के घर पर मेडिसिन के अलावा गैब्रियल को देखा था। गिरफ्तार करने के बाद डिटेक्टिव और लैब इंचार्ज मेडिसिन से पूछताछ करने लगी, जहाँ वो बताती है कि गैब्रियल बहुत खतरनाक है। पूछताछ चल ही रही थी कि तभी डिटेक्टिव के पास गैब्रियल की कॉल आती है जो अब खुद बताता है कि हाँ मैं मेडिसिन का ख्याली दोस्त हूँ। तभी यहाँ मेडिसिन जोर जोर से चिल्लाने लगी जिस वजह से आसपास के सारे बल्ब टूट जाते हैं और अब मेडिसिन को सेल में बंद कर दिया जाता है। मेडिसिन की सौतेली बहन अपनी मोम से उस हॉस्पिटल का एड्रेस लेती है जहाँ बचपन में मेडिसिन को इलाज के लिए दाखिल करवाया था, इन्हीं लिटिल डॉक्टर की हॉस्पिटल। अब वैसे तो ये हॉस्पिटल बंद हो गया था पर उसकी बहन को भरोसा था कि वहाँ से जरूर कुछ तो पता लगेगा, तो इस भरोसे के साथ ही वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। हॉस्पिटल आने पर वो वहाँ चेक करने लगी, जहाँ उसे मेडिसिन से जुड़े कुछ रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, जिन्हें वो अपने साथ घर ले आती है। उन रिकॉर्डिंग्स को चेक करने पर उसकी बहन को पता चला कि मेडिसिन की असली मोम और कोई नहीं बल्कि टूर गाइड है। जी हाँ, जो फ्लोर पर से गिरने की वजह से जख्मी थी और अब उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल किया हुआ था। आगे रिकॉर्डिंग चेक करने पर वो देखती है कि मेडिसिन की पिछली साइड से एक अजीब सा क्रिएचर जुड़ा हुआ था। तब यहाँ रिकॉर्डिंग में डॉक्टर बताती है कि मेडिसिन जो अपने मोम के पेट में थी तो हमने देख लिया था कि उसका जुड़वा भाई भी है, लेकिन एक मुसीबत थी कि वो मेडिसिन के साथ जुड़ा हुआ था। अब उसका जुड़वा भाई और कोई नहीं बल्कि गैब्रियल ही था। वो बताती है कि जब मेडिसिन पैदा हुई थी तो हमने उन दोनों को ऑपरेशन करके अलग अलग करना चाहा, जिससे मेडिसिन तो आराम से अलग हो गई, नॉर्मल थी, लेकिन उसका भाई नहीं हुआ। वो ऐसे क्रिएचर की तरह अजीब सा पैदा हुआ और उसके साथ ही आधा जुड़ा रहा, और क्योंकि दोनों का दिमाग और रीढ़ की हड्डी एक ही थी, इसलिए हमने गैब्रियल को मेडिसिन के अंदर से सारा नहीं निकाला बल्कि जितना निकाल सकते थे बस उतना ही निकाला, बाकी अंदर रहने दिया, क्योंकि ऐसी मेडिसिन की जान को खतरा हो सकता था, और उसके दिमाग का ऑपरेशन करके बंद कर दिया, जिससे गैब्रियल आधा उसके अंदर ही रह गया। यहाँ डॉक्टर ये भी बताती है कि गैब्रियल खास किस्म का बच्चा था, उसके पास अनोखी ताकतें थी, वो आसपास के सिग्नल्स और वेव्स लहरों को कंट्रोल कर सकता था। तभी उसने रेडियो के सिग्नल्स को कंट्रोल करके शुरुआत में कहा था कि मैं तुम सबको मार दूंगा, फिर एक दिन गैब्रियल ने मेडिसिन को कंट्रोल करके हॉस्पिटल में तबाही मचा दी इन्हीं शुरुआत में। और डॉक्टर जिस मुसीबत को जड़ से खत्म करने की बात कर रही थी वो और कोई नहीं बल्कि गैब्रियल था। वो आदत तो निकाल पाई लेकिन दिमाग को अलग करने में नाकाम रही। अब गैब्रियल हमेशा से ही मेडिसिन के दिमाग में रहा, और जब जब मेडिसिन ख्यालों में गैब्रियल को देखती है वो सब कुछ असल में गैब्रियल का ही दिमाग कह रहा होता है, क्योंकि दोनों का दिमाग एक जो था बस जिस मेडिसिन का होता है। और उस दिन जब उसके हस्बैंड ने उसे दीवार से देखकर मारा, जब सर से उसका खून निकलने लगा, उस दिन से गैब्रियल दोबारा जाग गया। ये सारी रिकॉर्डिंग्स देखने के बाद उसकी बहन डिटेक्टिव से मिलने के लिए निकल जाती है ताकि उसे सारी सच्चाई बता सके। उधर मेडिसिन जो अपने सेल में बंद थी तो सेल की बाकी लड़कियां उसे परेशान करने लगी, जिसके बाद वो उसे मारने लगती है। ऐसा होने से मेडिसिन की तबीयत खराब होने लगी, उसके मुंह और सर से खून बहने लगता है, आसपास के लाइट्स भी खराब होने लगती है। यहाँ हम पहली बार ये भयानक नजारा देख पाती है कि मेडिसिन के सर से उसका सर चीर कर गैब्रियल बाहर आ रहा है, जो पूरी तरह मेडिसिन को अपने कंट्रोल में कर लेता है और वो खुद ही अपना सर चीरने लगती है। ये देखकर सारी लड़कियों का बुरा हाल हो जाता है, वो डर की वजह से चिल्लाने लगती है। वो अब गैब्रियल के कंट्रोल में थी, जो एक लड़की के पास जाकर उसके गर्दन पर मारती है जिससे उसका खून निकलने लगता है। फिर एक एक करके जो कोई भी उसके पास आ रहा था बड़ी आसानी से वो सबको उठा उठा कर फेंक फेंक कर मारी थी। एक की वो बाजू तोड़ देती है तो एक के पेट में अपना हाथ घुसाकर आर पार कर देती है, फिर उठाकर उसे दूर फेंक के मारती है। फिर एक लड़की को गिराकर उसके सर पर अपना पैर रख के कुचल देती है।
घूमकर एक के पास आई और उसे नीचे गिराकर उसकी गर्दन मरोड़कर मार देती है और ऐसे उसने सबको एक एक करके बुरी तरह मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद मेडिसिन यानी गैब्रियल वहाँ से बाहर निकलकर यानी खुद को आजाद करके अपने कपड़े और हथियार लेकर यहाँ से निकल जाता है। मेडिसिन की बहन डिटेक्टिव को कॉल करके सब कुछ बता देती है, लेकिन डिटेक्टिव को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या कहना चाह रही है। अब डिटेक्टिव और लैब इंचार्ज फौरन सेल में गई, जहाँ उनका भी सामना गैब्रियल से हो जाता है जो उन दोनों पर भी हमला कर देता है। वो दूर थे घुमाकर उन पर वो कुर्सी फेंक के मारता है, जिससे वो दोनों काफी जख्मी हो गई और गैब्रियल यहाँ से भाग निकलता है। इतनी ही देर में ये मेडिसिन की बहन भी आ गई। तब लैब इंचार्ज उन्हें फौरन उस हॉस्पिटल में जाने के लिए कहती है जहाँ टूर गाइड यानी मेडिसिन की मॉम दाखिल थी, क्योंकि गैब्रियल का अगला टारगेट वही थी। वो जब हॉस्पिटल पहुंची तो वहाँ गैब्रियल उसकी बहन को भी जख्मी कर देता है, साथ ही एक गार्ड के सीने पर वार करके उसे भी मार देता है और अब वो मेडिसिन की मॉम के कमरे में चला जाता है। यहाँ मेडिसिन की मॉम उसे माफी मांगती है कि प्लीज मुझे माफ, मैं अपनी गलती मानती हूँ। हाँ, मुझे तुम्हें अलग करना नहीं चाहिए था, क्योंकि तुम भी मेरे बेटे ही थे, मुझे तुमसे भी प्यार करना चाहिए था, लेकिन अब प्लीज मेरी गलती को माफ कर दो। वो अपनी मॉम की बातें गौर से सुन रहा था और उनकी बात मानकर हथियार नीचे कर लेता है। उनके बाद यह बनने ही वाली थी कि तभी यहाँ डिटेक्टिव आकर उसे शूट करने लगता है, पर मेडिसिन की बहन डिटेक्टिव को ऐसा करने से मना करने लगती है। इससे गैब्रियल भड़क गया और डिटेक्टिव पर दूर से वो तेजधार हथियार फेंक के मारता है, जो सीधा डिटेक्टिव के सीने में लगा और उसकी वही मौत हो गई। अब सब कुछ मेडिसिन दूसरी साइड से देख तो पा रही थी, पर उसे बचाने के लिए कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि उसे तो गैब्रियल ने कंट्रोल किया हुआ था। जिसके बाद मेडिसिन की बहन गन उठाकर उसे गैब्रियल की तरफ कर देती है और कहने लगी कि निकला इसके अंदर से, ये मेरी बहन है। जिसे सुनकर गैब्रियल को गुस्सा आ गया, कहता है कि नहीं, ये तुम्हारी बहन नहीं है, जो कहकर वो बेड को उठाकर उसकी तरफ फेंकता है और यहाँ मेडिसिन की बहन उस बेड के नीचे दब जाती है। फिर वो उसके पास आकर कहने लगा कि मैं बचपन से ही तुम्हें मारना चाहता था, पर हर बार तुम बचती रही। यहाँ उसकी बहन मेडिसिन को आवाज लगाकर उसे मदद मांगती है और मेडिसिन को गैब्रियल के खिलाफ भड़काने लगी ताकि वो गैब्रियल पर काबू पा सके। कहती है कि गैब्रियल ही वो है जिसकी वजह से तुम माँ नहीं बन पा रही, जब भी तुम माँ बनने वाली होती हो ये तुम्हारे बच्चे को पेट में ही मार देता है। ये सुनकर मेडिसिन को काफी गुस्सा आने लगा और अब वो गैब्रियल पर काबू पाने की कोशिश करने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गैब्रियल ने मेडिसिन की बहन को गन से शूट करके पहले उसे मारा, फिर मेडिसिन की मॉम का गला घोटकर उनकी भी जान ले ली। जिसके बाद गैब्रियल अपने सामने मेडिसिन को पाता है, क्योंकि मेडिसिन ने आखिरकार अपने दिमाग पर काबू पा ही लिया था और अब सब कुछ उसके हिसाब से हो रहा था, यानी कि मेडिसिन की बहन और उसकी मॉम की मौत बस एक ख्याल थी, जो मेडिसिन अब गैब्रियल को दिखा रही थी जैसे वो पहले मेडिसिन को दिखाया करता था, क्योंकि असल में उसकी मॉम और बहन जिंदा थी। यहाँ वो पहली बार गैब्रियल की आंखों में आंखें डालकर उसे बात करती है, कहने लगी कि मेरे जिस्म और दिमाग पर सिर्फ मेरा हक है और अब सीन पर सिर्फ मेरा ही कंट्रोल होगा, और अगली बार अगर तुमने फिर से मुझे कंट्रोल करने की कोशिश की तो सुन लो, मैं भी उसके लिए तैयार हूँ। उसका ये कहना ही था कि मेडिसिन का खुला हुआ सर बंद हो गया और वो वापस अपने होश में आ गई और अब उसने गैब्रियल को अपने अंदर से निकाल कर हमेशा हमेशा के लिए जेल में बंद कर दिया था। होश में आने पर वो अपनी बहन को बेड के नीचे से निकालती है, जो कब से वहाँ दबी हुई थी, पर खुशकिस्मती से जिंदा थी। उसकी जान बचाने के बाद मेडिसिन उसे गले से लगा लेती है, कहने लगी कि सिर्फ खून के रिश्ते ही सब कुछ नहीं होते, बल्कि हमेशा वो आपकी होती है जो आपके साथ रह रही है, आपका ख्याल रखती है, और तुम ही मेरी बहन हो, हमेशा रहोगी, बेशक हमारा खून एक नहीं, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी, तुम मेरी बहुत अच्छी बहन हो। ये बातें करते हुए दोनों बहनें जज्बाती हो गई और एक दूसरे के गले से लगकर रोने लगती हैं। उनकी मॉम भी उन्हें देखकर काफी खुश हो रही थी, क्योंकि अब वो गैब्रियल से आजाद थी और हमेशा अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारेंगी। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।